आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय जो है वह 2200 रुपए है, ठीक है। यदि पेंट कराने की दर है ना, पेंट कराने की जो दर है ये 20 रुपए प्रति मीटर वर्ग है ना, ये प्रति मीटर वर्ग लिखा है, 20 रुपए प्रति मीटर वर्ग है। तो हमें ज्ञात करना है पहला बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या, तीसरा बर्तन की धारिता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माना है ना, माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या आर है, ठीक है, और इसकी गहराई एच है, जो कि हमें दी गई है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंट कराने का व्यय रुपए हमें दिया गया है 2200 रुपए, है ना। पेंट कराने का व्यय ये दिया है हमें 2200 रुपए, ठीक है ना, 2200 रुपए। और दर भी हमें दी गई है, पेंट कराने की दर क्या है, दर दी गई है 20 रुपए प्रति मीटर के वर्ग की, ठीक है, प्रति मीटर के वर्ग। तो देखिए हम इससे इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए कि जो पेंट का व्यय होगा, है ना, पेंट का व्यय ये होगा हमारा दर गुणित आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम मान रख देंगे तो पेंट कराने का व्यय आया अपना 2200 रुपए, ठीक है, और जो दर है वो क्या है, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा मान लेते हैं वक्र पृष्ठ है इसका एस, मान लेते हैं, ठीक है, एस, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एस ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2200 बटे 20, 0 0 कट गया, 2 11 110। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 110 मीटर का वर्ग, ठीक है। ये हमारा पहला उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पहला उत्तर मिल गया। अब दूसरा आगे क्या पूछा है कि हमें इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं अगला, देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, देखिए पहले ये होता है 2πRh, ठीक है, और वक्र पृष्ठ देखिए हमारा आया कितना है, 110, तो यहाँ लिख दिया 110 और 2 × 22/7 आर हमें ज्ञात करना है, और h हमें दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है, h हमें दिया गया है 10, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब देखिए r हमें ज्ञात करना है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये जितने भी हैं सब यहाँ के भाग में हो जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा अपना 110 और ये भाग में 7 था तो यहाँ आके गुणा में हो गया, और 2 × 22 × 10 ये आ जाएंगे यहाँ भाग में। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 10 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 11 2 2 2, तो ये आ गया आर बराबर 7/4, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 7/4 को हल करेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आ गया अपना, सॉरी मीटर में आएगा, है ना, मीटर में दिया है, तो ये आ गया हमारे दूसरे का उत्तर, त्रिज्या आ गई। अब आगे क्या पूछा है, देखिए आगे हमें ज्ञात करना है बर्तन की धारिता, ठीक है, तो बर्तन की धारिता ज्ञात कर लेते हैं, इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए, बर्तन की
धारिता ये होती है पाई आर का वर्ग एच। ठीक, तो ये 22/7। आर कितना है? आर देखिए आया है 1.75, तो 1.75 का वर्ग, और एच हमें दिया है 10 शुरू में ही देखिए। ठीक, तो यहाँ मान रख दिए, तो गुणा कर लेते हैं, तो हो गया 22/7। 1.75 गुणित 1.75 गुणित 10। ठीक है, 7 से देखिए कट जाएगा, 7 × 2 = 14 और बचा 3, 5, 7 × 5 = 35। ठीक, अब 2 के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। अब जब हम इन सबका गुणा करेंगे, 22 × 0.25 गुणित 1.75 × 10, तो हमें मिलेगा 96.25 मीटर क्यूब, है ना, मीटर घन। ये हमारा आ जाएगा बर्तन का धारिता, या बोलते हैं आयतन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।